students, the music you have just listened is just because of you. So you can feel yourselves standing near the traveler and seeing him knocking the door. So hum start karte hain apni poem The Listener by Walter T. Le मेयर एंड हम यहाँ पर देख लेते हैं द लिसनर की 1 to 9 लाइन्स हैं. ठीक है. और इज देयर एनीबडी देयर सेड द ट्रैवलर नॉकिंग ऑन द मूनलिट डोर एंड हिज हॉर्स इन द साइलेंस चैम्प द ग्रास ऑफ द फॉरेस्ट फर्नी फ्लोर एंड अ बर्ड फ्लू अप आउट ऑफ द टरेट अबव द ट्रैवलर्स हेड एंड ही स्मूथ अपॉन द डोर अगेन अ सेकेंड टाइम इज देयर एनीबडी देयर ही सेड बट नो वन डिसेंडेंट टू द ट्रैवलर. बहुत आसान पोएम है, बहुत मज़े की पोएम है, बहुत मिस्टीरियस और बहुत जो है ना टेरिफाई करने वाली पोएम है. आपको बहुत मज़ा आएगा इस पोएम को सुनकर और मैं आपको यहाँ एक एक चीज़ इसकी जो है ना क्लियर कर दूँगी. पहले हम चलते हैं इसके एंटीनम्स और कुछ वर्ड मीनिंग की तरफ. ठीक है. चैम्प्ड नॉइसी चुई एक्शन जैसे हम चबाने की आवाज़ आती है. टर्रेट अ स्मॉल टावर ऑन अ बिल्डिंग एक गुंबदनुमा मीनार घर के ऊपर. फर्नी कंसिस्टिंग ऑफ फर्न्स यानी बहुत सारी जड़ी बूटियाँ होंगी मी वहाँ पर ग्राउंड के ऊपर. नॉक स्ट्राइक करना दस्तक देना. मूनलिट स्पेस लिट बाय द मून और क्या है एक रोशनी की किरण पड़ रही है मून की. जिस तरह सूरज की किरणें पड़ती हैं ना इस तरह मूनलिट होती है. चांद की भी एक ख़ास शुआ होती है. ट्रैवलर पर्सन हु गोज़ ऑन जर्नी जो सफ़र करते हैं. स्मूथ क्या होता है एक स्ट्राइक करना फाइनल ब्लो बहुत ज़ोर से एक दफ़ा दरवाजे को दस्तक करना. ग्रेज ईट ग्रास फ्रॉम अ फील्ड जो है ना घास का चढ़ना. डिवेल्ट क्या होता है इसका एंटोनिम है लीव लिसनिंग डिस्ट्रैक्टेड ओवर अंडर लुक्ड इग्नोर्ड. Their hair, silence, noise, up, down, above, below, empty, full, charm, Danny, leaned, straightened, perplexed, confident. तो ये तो हो गए इसके वर्ड मीनिंग और एंटोनिम्स. अब चलते हैं हम इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ और आप बहुत ध्यान से इसकी एक्सप्लेनेशन को समझिएगा. इंशाल्लाह आपको कोई कन्फ्यूजन बाकी नहीं रहेगी. सीन आपको मैंने दिखा दिया है कि कैसे एक ट्रैवलर है जो घोड़े पर सवार है और वो शाम ढले पहुंचा है. अभी थोड़ी थोड़ी रोशनी जब सूरज पूरे तरीके से ग्रूप नहीं हुआ होता थोड़ी थोड़ी रोशनी होती है उस वक्त पहुंचा है एक ऐसे वीरान सी जगह पर जहां हर जगह घास उगी हुई है बहुत ज़्यादा. यानी ऐसा लगता है कि यहाँ कोई ह्यूमन एक्टिविटी नहीं है काफ़ी सालों से. और फिर एक घर है जिसके दरवाजे पर चाँद की रोशनी पड़ रही है और वो विजिबल है नजर आ रहा है. तो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सप्लेनेशन को. अ ट्रैवलर हु वाज ट्रैवलिंग ऑन अ हॉर्स कम अक्रॉस अ हाउस लोकेटेड इन द मिडल ऑफ द वुड. अब जंगलों के दरमियान में ये घर है और एक ट्रैवलर है जो वहाँ पर अपने घोड़े पर सवार पहुँचा है और ये जंगल के बीचों बीच ये घर बना हुआ है. ही नॉक्स एट द डोर इंक्वायरिंग इफ देयर इज एनीवन इनसाइड. वो दरवाजे को दस्तक देता है और आवाज़ देता है कि इज एनीबडी देयर या कोई अंदर है. वो ये जानना चाहता है कि घर में क्या कोई मौजूद है. इट वॉज लेट इन द इवनिंग एंड द डोर वॉज विजिबल बिकॉज ऑफ द मून लाइट. क्योंकि हल्की हल्की चाँद की रोशनी जो है ना अभी स्टार्ट हुई है पड़नी और शाम है अभी तो अभी विजिबल है उसके लिए घर का दरवाज़ा उसको नज़र आ रहा है. द हॉर्स वॉज टू टायर्ड एंड हंगरी. अब घोड़ा भी बहुत थका हुआ है काफ़ी दूर से सफ़र करके आए हैं लगता है तो उसको भूख भी लगी है. वाइल द ट्रैवलर वॉज नॉकिंग एट द हाउस साइलेंटली द हॉर्स ग्रेज द ग्रासेस नियर बाय. तो जैसे घोड़े से वो उतरा है ना ट्रैवलर तो घोड़े ने क्या किया है कि उसको घास फूस अपने आसपास नज़र आई है तो उसके तो ये फेवरेट कंटेंट होता है ना घोड़े के लिए घास खाना और वो भूखा भी हो तो बड़े मज़े से घास चढ़ना शुरू हो गया. अब उसके चढ़ने की एक ख़ास आवाज़ आ रही है चबाने की. जब बहुत खामोशी हो आपके पास बैठ के कोई खाना खा रहे हो तो उसके मुंह से भी जो आवाज़ें होती है ना आप उसको सुन सकते हो. इट वॉज अ फॉरेस्ट फुल ऑफ फर्न्स. अब पूरा फॉरेस्ट जो है ना वो जड़ी बूटियों से भरा हुआ है घास फूस से भरा हुआ है तो घोड़े की तो ईद हुई हुई है. देयर वॉज अ बर्ड द फ्लू आउट ऑफ द रूफ आउट ऑफ द टर्रेट यानी उसके जो ऊपर गुम्बद बना हुआ है उसके पास से उड़ता हुआ ऊपर की तरफ ऊपर से एकदम से अपने पर फड़फड़ाता हुआ उड़ता हुआ गया है.
above the out of the roof छत के ऊपर से above the traveler's head. It seemed that the bird was awakened by the arrival of the traveler. और ऐसा लगता है जैसे बर्ड सो रहा था और ये जो उसने आके दस्तक दी है ना उसकी वजह से वो बर्ड जागा और एकदम से उड़ गया. जैसे आप देखते हैं कि ये नेचुरल फिनोमेना है कि जानवर जो है ना वो घबरा जाते हैं शोर से. तो अगर आप उनके पास जाने की कोशिश करो या एकदम से कोई शोर करो आवाज़ आए एकदम से तो वो डर कर उड़ जाते हैं. तो इसी तरह का ये सीन हुआ है कि दरवाजे पर उसने दस्तक दी है और उस दस्तक के शोर से वो परिंदा उड़ गया. द ट्रैवलर नॉक्ड ऑन द डोर वंस अगेन आस्किंग इफ देयर वॉज एनी वन इनसाइड. स्टिल नो वन आंसर एंड नो वर्ड देयर टू ग्रीट द ट्रैवलर एंड द डोर रिमेन्स क्लोज. अब क्या है कि ट्रैवलर ने थोड़ा रुक के फिर दोबारा से दस्तक दी है कि शायद अब की बार कोई मुझे आवाज़ आ जाए अंदर से. यानी परिंदे ने उसको डिस्ट्रैक्ट कर दिया था. अब उसको फिर याद आ गया कि मुझे एक दफ़ा फिर दस्तक देनी चाहिए, शायद अंदर मौजूद कोई हो तो जो दूसरी बार दस्तक सुनने पर मुझे मिलने के लिए बाहर आ जाए. जैसे कि हमारे घर कोई मेहमान आता हम दरवाज़ा खोल के सलाम करते हैं, उससे मिलते हैं, गले मिलते हैं. तो कोई भी नहीं था, किसी ने उसको आंसर नहीं किया, किसी ने उसको ग्रीट नहीं किया, उसको वेलकम नहीं किया और डोर अभी भी वैसे के वैसे ही बंद पड़ा है. No head from the leaf fringes leaned over the looked into his grey eyes, where he stood perplexed and still, but only a host of phantom listeners that dwelt in the lone house then stood listen in the quiet of the moonlight to that voice from the world of man stood thronging the faint moonbeams on the dark stairs that goes down to the empty hall, hearkening in an air stirred and shaken by the lonely traveler's call. अब मैं आपको इधर से भी कुछ बता देती हूँ कि हर लाइन को एक्सप्लेन करती हूँ. नो हर्ड फ्रॉम द लीफ फ्रिंसेल, जो ऊपर खिड़की है उसके पास पत्तों का झुरमट बना हुआ है, ठीक है ना. तो उसमें से भी किसी ने नीचे झुक कर नहीं देखा कि नीचे कोई खड़ा हुआ है, नीचे देखता. जहरी बात है हम ऊपर से देखते हैं तो नीचे वाला हमारी तरफ ऊपर देख रहा होता है. तो लीन्ड ओवर एंड लुक्ड इनटू हिज ग्रे आइज़. अब जहरी बात है ग्रे आइज़ उसकी जब भी देख सकता है ना, जब ट्रैवलर ऊपर की तरफ देख रहा होगा और ऊपर वाला नीचे देख रहा होगा. तो ग्रे आइज़ से मुराद ये है कि उसकी आंखों में एक आस है, एक उम्मीद है कि शायद मुझे वो मिल जाए. वेयर ही स्टूड परप्लेक्स्ड एंड स्टिल, अब वो कन्फ्यूज़ खड़ा हुआ है यार, कोई भी दरवाज़ा नहीं खोल रहा, कोई खिड़की से नहीं देख रहा. द डिवेल्ट इन द लोन हाउस देन स्टूड लिसन इन द क्वाइट ऑफ द मून लाइट, और लेकिन जो हाउस है ना वो बिल्कुल खामोश है, लेकिन अंदर जो फैंटम लिसनर है ना वो सुन रहे हैं. फैंटम लिसनर क्या है, वो गोस्ट और वो भूत जो उसकी आवाज़ तो सुन सकते हैं लेकिन उसको आंसर नहीं कर पा रहे हैं. और सूर्य चाँद की रोशनी जो है ना वो उस खिड़की से छन कर अंदर जा रही है. टू दैट वॉइस फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ मैन. वर्ल्ड ऑफ मैन क्या है कि वो जिंदा लोगों की आवाज़, जिंदा लोगों की दुनिया की आवाज़ सुन रहे हैं. और वो कौन सी दुनिया में रहते हैं, वो मुर्दों की दुनिया में रहते हैं और उनको अलाउ नहीं है कि वो इंसानों की दुनिया से किसी से बात कर सकें. Thronging the faint moonbeams on the dark stairs, वैसे ही चाँद की रोशनी जो है ना उन स्टेयर्स के ऊपर पड़ रही है और ऐसे लग रहा है जैसे कोई ऊपर नीचे हो रहा है उन स्टेयर्स के, जैसे कि एक रूटीन में आम इंसान ऊपर नीचे सीढ़ियाँ चढ़ते हैं. और बेचैन है वो कि यार बाहर कोई आया लेकिन हम उससे राबता नहीं कर सकते, उससे बात नहीं कर सकते. हेकनिंग इन एन एयर स्टेयर्ड एंड शेकन बाई द लोनली ट्रैवलर्स कॉल, अब उनका सोल जो है ना वो ट्रैवलर की आवाज़ उसके अंदर से क्रॉस होके जा रही है, उनकी रूह के अंदर से क्रॉस होके जा रही है. अभी मैं आपको ये पिक्चर शो करूँगी तो आपको क्लियर होना शुरू हो जाएगा और बड़ा मज़ा आएगा आपको इसमें मिस्टीरियस बात पता जब चलेगी कि आखिर ट्रैवलर इस घर के बाहर कर क्या रहा है. तो कर लेते हैं अपने वर्ड मीनिंग्स. लीफ फ्रिंज्ड एंड आउटर एज ऑफ लीव्स, यानी पत्तों से भरी हुई कोई झुरमट पत्तों का ना जो खिड़की के ऊपर मौजूद था ऊपर वाली. फैंटम गोस्ट और सुपरनेचुरल एलिमेंट, कोई भी भूत या आसेब वगैरह. हेकनिंग लिसनिंग केयरफुली, हेकनिंग का मतलब है पूरे तवज्जो के साथ सुनना. डिसेंडिंग मूविंग डाउनवर्ड्स, यानी दरवाज़ा खोलने के लिए सीढ़ियाँ उतर के कोई दरवाजे तक आए. परप्लेक्स्ड होता है वेरी कन्फ्यूज्ड और सरप्राइज. डिवेल होता है स्टे इन प्लेस. मून बीम होता है रे ऑफ मून लाइट यानी शुआ. थ्रोंगिंग होता है बी ग्रेट इन नंबर, यानी काफ़ी ज़्यादा लोग हैं उस घर के अंदर मौजूद, ठीक है ना. तो ये भी हम आगे पढ़ेंगे. Despite the second time, no one moved downwards from the mansion towards the traveler. अब उसने दूसरी दफ़ा भी
खटखटाया है, दस्तक दिए, लेकिन कोई भी उस मेंशन, मेंशन कहते हैं ज़रा बहुत बड़े घर को, ठीक है, क्योंकि देखिए उसके ऊपर टावर भी बना हुआ है और उसके ऊपर मीनार टाइप चीज़ें, तो काफ़ी बड़ा घर है, तो उस मेंशन से नीचे कोई उतर कर भी नहीं आ रहा कि दरवाज़ा खोले। नॉट डिड अ कीन वेलकम वॉइस कॉल आउट फ्रॉम द बॉर्डर ऑफ द विंडो, ना ही कोई पूछ रहा है कि भाई कौन आया है, जैसे वेलकमिंग वॉइस होती है हमारे घर कोई आए तो हम कहते हैं जी कौन, दरवाजे पर कौन है, तो कह रहे हैं कि ऊपर की जो विंडो है उसमें से भी कोई नीचे झुक कर नहीं देख रहा, जो कि लेस हुई है विद लीव्स, यानी ऐसे लगता है जैसे लेस लगाई हो, जैसे हम कपड़ों पे लेस लगाते हैं अपनी शर्ट्स के ऊपर फूलों वाली लेस, तो इसी तरह के पत्तों की लेस लगी हुई वो जो है ना खिड़की के चारों तरफ, तो उस खिड़की में से भी कोई झांक कर नीचे नहीं देख रहा है। नाइदर डिड एनीबडी बेंट आउट ऑफ द विंडो टू नो हु द कॉलर माइट बी एट द अनअर्थी आर, यानी कोई ऊपर से ये झुक कर देखना गवारा ही नहीं कर रहा कि इस टाइम इस पहर शाम के कौन है जो हमारे दरवाजे पर दस्तक देने आया है। द ट्रैवलर एक्सपेक्टेड एट लीस्ट समवन टू ओपन द ग्राउंड फ्लोर विंडो, अच्छा वो ये सोच रहे चलो ऊपर तो कोई नहीं, नीचे से कोई नीचे वाली खिड़की खोल कर मुझे वेलकम कर दे या पूछ ले कि भाई कौन हो या कोई देख ले खिड़की के अंदर से। आपको पता है पर्दे के पीछे से हम पीप करते हैं, जैसे कि आपको इस विंडो में इस पिक्चर के अंदर मैं आपको दिखा रही हूँ, आप जैसे विंडो में देख रहे हो कि विंडो के पीछे आपको साए से नज़र आ रहे हैं दोनों ब्लैक साइड्स के ऊपर, ठीक है ना, और वो घोड़े पे बैठा जो ना वहाँ अंदर देखने की कोशिश कर रहा है कि नीचे वाली विंडो से मुझे कोई देख ले, हालांकि अंदर जो भूत या आसेब हैं वो उसको देख रहे हैं लेकिन उसको फील नहीं हो रहा कि अंदर से कोई उसको देख रहा है या उसकी आवाज़ को सुन रहा है। तो अब ऐसा ऐसा आपके जहन के ऊपर ना ये इलास्ट्रेट होना शुरू हो जाएगी पोएम कि मैं इसमें हो क्या रहा है असल में, तो फिर आपको ये कभी नहीं भूलेगी, आपको एक एक इसका स्टेप जो है ना अच्छे से याद हो जाएगा। द ट्रैवलर एक्सपेक्टेड एट लीस्ट समवन टू ओपन द ग्राउंड फ्लोर विंडो पीप एंड स्टेयर इन टू द डल एंड वरीड आइज ऑफ द ट्रैवलर, यानी कोई तो उसकी इन आँखों में देखे जिसके अंदर वो ग्रे आइज क्या हैं उसमें परेशानी है, उसके अंदर खौफ है, नाउमीदी है कि यार कोई भी नहीं है इस घर के अंदर, मैं तो जिससे मिलने आया था क्या मैं उसे मिले बगैर ही वापस चला जाऊँगा, तो कोई तो एटलीस्ट नीचे वाली विंडो से मुझे देख ले। द ट्रैवलर स्टूड ट्रांसफिक्स्ड एंड फ्लस्टर्ड एंड साउंड ऑफ साइलेंस बिकेम हिज पेशेंट लिसनर, अब उसकी अपनी ही जो आवाज़ है ना और वो अपनी ही आवाज़ की जो खामोशी है वही उसका साथी है इस वक्त, ठीक है, और वो खड़ा हुआ है खामोश परेशान बेहाल के, जैसे हम कहते हैं यार कोई तो दरवाज़ा खोल दे, अब उसके पास वापस जाने का भी इस वक्त टाइम नहीं है, वो कुछ टाइम उस तरह का हो रहा है कि वो वापस भी नहीं मुड़ सकता और ऐसा लगता है जैसे वो कोई वादा निभाने यहाँ आया है। बट इट सीम्स दैट हूएवर लिव्ड इन दैट पेशेंट दैट moonlit solitaire house could only acknowledge the presence of the traveler by a deeper shade of silence, लेकिन ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो चाँद की रोशनी में चमकता हुआ अकेला घर है ना उसमें कोई ना कोई मौजूद है जो ट्रैवलर की यहाँ की मौजूदगी को जानता है और उसके जो डीप शेड है ना साइलेंस का, यानी वो खड़ा हुआ है और उसको महसूस हो रहा है कि अंदर एक अजीब तरह की खामोशी है, खौफ करने वाली खामोशी है, तो खामोशी लेकिन ऐसे जैसे उसके अंदर बहुत ज़्यादा आवाज़ है और वो उसके दिल को जो है ना वो दिल के अंदर घुस जाएगी या दिल को फाड़ के रख देगी, उसको ऐसा खौफ महसूस होना शुरू हो गया है। द वर्ल्ड ऑफ द इमॉर्टल विद इन द हाउस वॉज मूव बाय द ओनली मॉर्टल साउंड अराउंड, अब अंदर जितने भी लोग मौजूद हैं ना वो सब इमॉर्टल है, इमॉर्टल्स होते हैं यानी भूत आसेब जिनका इस दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता, हमारी दुनिया क्या है फ़ानी दुनिया है, लेकिन अगर हम उनके हिसाब से देखें तो अभी हम जिंदा और वो मरे हुए हैं ना, तो इस तरह वो इमोर्टल है और हम मोर्टल हैं, तो अब उनको एक जिंदा इंसान उनके दरवाजे पर आ गया है और वो अंदर बेचैन हुए हैं सारे कि यार हम इससे अब कैसे बात करें, दरवाज़ा कैसे खोलें, और बाहर वो जो खड़ा हुआ है वो अलग परेशान है कि अंदर से कोई आवाज़ ही नहीं आ रही है, हालांकि अंदर जो मौजूद हैं वो उससे रابطہ करना चाहते हैं लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते, वो उससे कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते, वो दरवाज़ा नहीं खोल सकते, वो कोई बात नहीं कर सकते। द ओनली विटनेस टू दिस साइट वॉज हिज हॉर्स एंड द स्ट्रीम ऑफ मून लाइट दैट अनऑक्यूपाइड हॉल एंड असेंडेंट डोर्स अनकैनी स्टेयर्स, अब जो इस चीज़ के गवाह हैं ना वो उस चाँद की रोशनी है या उसका घोड़ा है जो उसकी इस हालत से वाकिफ़ है कि ये हो क्या रहा है, और जो अंदर सीढ़ियों पे ऐसे लगता है कोई चढ़ रहा है और उतर रहा है, चढ़ रहा है और उतर रहा है। इट इज़ नॉट
that the traveler was not received by anyone, but it is so happened that they have become the inhabitant of the next world. अब वो बेचैन है सीढ़ियों पे. अब ये बात नहीं है कि ट्रैवलर को कोई आवाज़ नहीं दे रहा है या उनको वेलकम नहीं करना चाह रहे, बल्कि वो खुद इस हाल में है कि वो अब दूसरी दुनिया के बासी बन चुके हैं, यानी वो वहाँ से रूह बन चुके हैं या भूत बन चुके हैं, तो अब वो दरवाज़ा खोल ही नहीं सकते. बेचैन तो वो भी बहुत है उससे मिलने को, लेकिन वो कर कुछ नहीं सकते. द स्पिरिट विद इन द हाउस हर्ड ईच वर्ड ऑफ द कॉलर एंड वर डिस्टर्ब्ड इन देयर स्टार्क साइलेंस एज द वो ही स्पोक पेनिट्रेटेड देयर सोल्स. अब यहाँ आपको मैं दिखाती हूँ, ये है वो फैमिली जिससे वो मिलने आया है, और यही वो लिसनर्स हैं जिनके इस पोएम को नाम दिया गया है. यानी ये सिर्फ सुन सकते हैं, बात नहीं कर सकते, ये सिर्फ उसे सुन सकते हैं. तो अब आप इनके देख रहे हैं, इनके आपको सोल्स नज़र आ रहे हैं, कि आपको सी थ्रू नज़र आ रहा है इस लड़की से, बॉडी में से क्रॉस करके आँखें आप देख सकते हो कि पीछे स्टेयर्स आपको नज़र आ रही हैं. तो उस ट्रैवलर की आवाज़ जो है ना, उसका ये कहना कि दरवाज़ा खोलो, वो इनके जिस्म के अंदर से क्रॉस होके जा रहा है, और इनका दिल टूट रहा है, और जिस्म जो है ना चूर चूर हो रहा है इस बात से कि हम मजबूर हैं, हम दरवाज़ा नहीं खोल सकते. वो हमसे मिलने आ चुका है, लेकिन अब हम इस काबिल ही नहीं रहे हैं, यानी हम इस दुनिया से जा चुके हैं, हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है, हमें ये अलाउ नहीं है कि हम दरवाज़ा खोल सकें या हम उसको इसकी जवाब दे सकें. तो ट्रैवलर की वो आवाज़ उनके रूह के अंदर से छन कर जा रही है, और वो दोनों तीनों मजबूर हैं घर में रहने वाले कि वो दरवाज़ा नहीं खोल पाएंगे उसके लिए. एंड ही फेल्ट इन हिज हार्ट देयर स्ट्रेंजनेस देयर स्टिलनेस आंसरिंग हिज क्राई. अब उसको भी ना, ट्रैवलर को भी फील होना शुरू हो गया जैसे यहाँ पर कोई गैर मरी चीज़ है, कोई ऐसे भूत टाइप चीज़ है जो उसकी आवाज़ सुन रही है लेकिन उसका जवाब नहीं दे रही. वाइल हिज हॉर्स मूव्ड क्रॉपिंग द डार्क टर्फ नीथ द स्टार्ड एंड लीफी स्काई. अब उसका घोड़ा जो है ना, वो चांद की और तारों की छत के नीचे ना, समझ लें आसमान जब क्लियर होता है ना, उस पर तारे ऐसे लगते हैं जैसे हमारे छत पर तारे निकले में बहुत ज़्यादा, उसकी शील्ड बनी हुई है एक पूरी, तो उसके नीचे वो आराम से अपने खाने में मशगूल है, और उसकी आवाज़ जो है ना वो भी अजीब सी जो है ना सीन क्रिएट कर रही है, उसके मुँह से जो कच कच की आवाज़ें आ रही हैं. फॉर ही सडनली स्मूट ऑन द डोर even louder and lifted his head. अब फिर उसने दोबारा से ज़ोरदार किस्म का ना ये डर के मारे और ज़ोर से दरवाज़ा खड़काना शुरू कर दिया कि खुदा रा दरवाज़ा खोलो, और अपना सर ऊपर की तरफ उठाया. Tell them I came and no one answered that I kept my words, he said. और वो अपने से मुखातिब होकर कह रहा है कि इनको कोई बताओ कि मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है, जो मैंने इनसे करके गया था कि मैं एक दिन लौट कर आऊँगा, वापस आऊँगा, तो इनको कोई बताए कि मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है. अब वो ना उसका हाल रोने वाला हुआ हुआ है, जैसे उसको ये महसूस होना शुरू हो गया है कि शायद जिनसे वो मिलने आया है वो अब दुनिया नहीं रहे हैं, और वो उसको झूठा समझ कर इस दुनिया से चले गए हैं. उनके जब वो मरे हैं तो उनके जहनों में यही था कि ये ट्रैवलर कभी वापस नहीं आएगा, वो झूठ बोल कर गया था. लेकिन अब यहाँ ट्रैवलर का हाल जो है ना बेहाल हुआ है वो, और वो कह रहा है कि काश कोई अंदर से बोले और उनको पता चले कि मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, मैं वाकई वापस आ गया हूँ. और वो रोने वाले हाल में इस टाइम बाहर खड़ा हुआ है. नेवर द लीस्ट टेयर मेड द लिस्टर दो एवरी वर्ड ही स्पीक फेल इकोइंग थ्रू द शेडो नेस ऑफ द स्टिल हाउस. बेशक उसकी एक एक बात अंदर मौजूद सब लोग जो है ना वो सुन रहे हैं, लेकिन क्या करें, वो भी मजबूर हैं, वो उसको ये जवाब दे नहीं सकते कि हमें पता चल गया है कि तुमने अपना वादा पूरा कर दिया, लेकिन इस बात का हमें तुम्हें हम कैसे यकीन दिलाएं कि हम तुम्हारी बात सुन रहे हैं और तुम परेशान ना हो और हमें पता चल गया है कि तुमने अपना वादा पूरा किया. तो अब चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ. The supernatural aspect of the house cast a shadow on the traveler who now stand frozen with confusion and fright. अब जो अंदर के भूतिया असरात हैं ना, अब उसको महसूस होने शुरू हो गए हैं, और वो बहुत कंफ्यूज भी है, डरा भी, और उसके हाथ पाँव ठंडे होने शुरू हो गए हैं डर से. द एब्सेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ साउंड और मूवमेंट सेंट अ चिल अप हिज स्पाइन. अगर उसको अपने आसपास कोई भी आवाज़ सुनाई दे रही है ना, चाहे वो घोड़े के चढ़ने की हो या पत्ते खड़खड़ाने की हो, वो उसकी रीढ़ की हड्डी में जैसे एकदम से हम करंट दौड़ता है ना, मैं खौफजदा होकर हमें एकदम झुरझुरी सी आती है. वाइल द मीटिंग बिटवीन द मॉर्टल एंड द इमॉर्टल्स वॉज प्रोग्रेसिंग. अब क्या हो रहा है, उसको ऐसा फील हो रहा है कि उसके आस पास कोई
आके खड़ा हो गया है, जैसे मैं आपको इस पिक्चर में दिखा रही हूँ। अब उसको यही फील हो रहा है कि जैसे दरवाजे के पीछे कोई बहुत नज़दीक आके खड़ा हो गया है लेकिन बोल नहीं रहा, और वो कोई इंसान नहीं है, वो यकीनन कोई आसेब या भूत है जो जिसको उसको फीलिंग आ रही है। जैसे आप अकेले कमरे में हो तो आपको कभी कभी ऐसा फील होता है जैसे आपको कोई देख रहा है या आपके पास कोई खड़ा हुआ है ना, तो उस किस्म की फीलिंग है उसकी। उसके हाथ पाँव ठंडे हुए हुए हैं और वो बहुत ज़्यादा घबरा रहा है, और दूसरी तरफ लड़की जो है ना वो बड़ी बेचैन है कि मैं कैसे इससे बात करूँ। नेक्स्ट इज है, हिज हॉर्स कंटिन्यूड ईटिंग ग्रास अंडर द शील्ड ऑफ द स्टार्स एंड द ट्रीज अनमूव्ड बाय द इवेंट ऑफ द नाइट। अब गवाह जो है ना वो उसके वही चरता हुआ घोड़ा है, घास जो चर रहा है, ठीक है ना, और वही जो पत्ते हैं ना बिल्कुल जो रुके हुए खामोश जंगल है, और जो चांद की रोशनी है। बैफल्ड एंड फ्रस्ट्रेटेड द वेरी ट्रेवलर नॉक अ थर्ड टाइम। अब तीसरी दफ़ा उसने घबरा के जो है ना ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खड़काया है। ही स्क्रीम टू द इनहैबिटेंट ऑफ द हाउस टू टेल देम दैट ही वॉज प्रेजेंट एंड ही डिड नॉट फेल टू कीप हिज प्रोमिस। अब वो चाहता है कि वो बता दे, चीख चीख के वो बता रहा है कि मैं इस घर में रहने वालों को ये बताना चाहता हूँ कि मैं अपना वादा पूरा करने के लिए आ गया हूँ, बेशक मुझे बहुत साल लगे वापस आने में, लेकिन मैंने अपना वादा निभाया है, मैं झूठा नहीं था। द लिसनर डिड नॉट रिस्पॉन्ड इन एनी वे एंड द साइलेंस। अब क्या है कि लिसनर तो रिस्पॉन्ड कर ही नहीं ना पा रहे, वो कैसे करें क्योंकि वो तो इमॉर्टल वर्ल्ड में है, वो तो मुर्दों की दुनिया में है, वो वहाँ से बिल्कुल उनको इजाज़त नहीं है कि वो मॉर्टल या वर्ल्ड ऑफ मैन में रابطہ कर सकें किसी के साथ। तो अब यही कश्मकश जारी है, केप्ट ग्रोइंग ग्रेवर। अब क्या है, साइलेंस क्या है, वो इस तरह भरना शुरू हो गया जैसे कब्र में खामोशी होती है ना, नाउज़बिल्ला अभी तो हमारा वक्त नहीं आया, लेकिन इतनी खामोशी है। अनेबल टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ट्रैवलर एंड बाउंड बाय अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस। अब क्या है, अब ट्रैवलर को फील होना शुरू हो गया कि मुझे लगता है कि मैं किसी मुश्किल में फंस जाऊँगा। The listener heard him departing as he mounted his horse and the sound of the horse was heard on the cobbled ground. अब क्या है कि उसने ये तहिया किया कि भी अब तो यहाँ से निकलना ही बेहतर है मेरे लिए, और वो घोड़े पे सवार हो गया, लेकिन जो अंदर बैठे हुए लोग हैं ना वो सब उसको घोड़े पे बैठकर जाता देख रहे हैं लेकिन उसको रोक नहीं पा रहे हैं। With his departed the sound of silence moved forward and upward. अब सीढ़ियों पे फिर ऊपर नीचे आवाज़ें जो है ना साइलेंट आवाज़ें हैं, वो जैसे कुछ सीढ़ियाँ चढ़ रहा है बेचैनी से उतर रहा है कि मैं कैसे रोकूं इस जाने वाले, यानी मुझसे ये शादी का तकरीबन वादा करके गया था कुछ साल पहले, और उसने वादा किया था मैं आऊँगा, और मेरे माँ बाप ने कहा कि वो नहीं आएगा या हम लोग दुनिया से चले गए या कोई भी वजह बनी उनके मरने की, तीनों माँ बाप और बेटी के, लेकिन बेटी अब भी उसका जो भूत है ना वो उसको भी बेचैनी लगी हुई, वो अब सीढ़ियों ऊपर नीचे चढ़ रही है कि मैं अभी इसको रोक लूँ अपने लिए, अभी इसको बताऊँ कि मैं तुम्हारे इंतज़ार में जो है ना अब भी बैठी हूँ। द पोइट थ्रू दिस पोएम बेसिकली टॉक्स अबाउट कीपिंग वंस प्रॉमिस एंड ही ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द इनएबिलिटी ऑफ द मॉर्टल टू कम्युनिकेट विद द इमॉर्टल हु डाइड बिफोर फुलफिलिंग देयर प्रोमिसज। अब यहाँ जो आखिरी बात है ना वो यही है कि ये रिफ्लेक्ट करती है पोएम पोइट का ये आइडिया कि बेसिकली जो इमॉर्टल वर्ड है ना वो लोग जो दुनिया से जा चुके हैं वो इस दुनिया में मौजूद लोगों से रابطہ नहीं कर सकते हैं, और कितनी बेचैनी है, लेकिन वो एक दूसरे को देख रहे हैं लेकिन वो एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हैं, और उनको बहुत तकलीफ़ है इस चीज़ की। और इसके अलावा कि जो कम्युनिकेशन ना होने की वजह से जो दुनिया से चले गए और अपने प्रोमिसज नहीं निभा पा रहे, तो अब वो ट्रैवलर भी तो यही सोच रहा है ना कि मैं तो अपना प्रॉमिस निभाने आ गया हूँ लेकिन ये लोग कहाँ गए, या तो ये मर गए या ये घर छोड़कर चले गए, शायद इन्होंने मेरा प्रॉमिस तोड़ दिया है। लेकिन अब वो आसेब जो है उनको परेशानी लगी है कि हम इसको कैसे बताएं कि हम भी तुम्हारे इंतज़ार में यहाँ अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं, यानी हमने भी अपना प्रॉमिस पूरा किया है, लेकिन वो मजबूर हैं और वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते, सिवाय इसके कि वो लड़की जो है ना आप खिड़की में खड़ी जाता देख रही है उस ट्रैवलर को एक दफ़ा फिर, और वो ये जानती है कि अब ये कभी वापस लौट कर नहीं आएगा, अगर उसका इंतज़ार ही रहेगा। और ट्रैवलर ये सोचकर उधर से चला गया कि शायद मैंने अपना वादा निभा दिया लेकिन उस लड़की ने अपना वादा नहीं निभाया, या उसके पेरेंट्स ने उसकी शादी कर दी और ख़ुद मर गए। तो इस किस्म की जो है ना दूरी ही रही इनकी आपस में। तो ये थी द लिसनर्स हमारी पोएम, और होपफुली अब बच्चों को ज़रूर इस पोएम की समझ अच्छे से आ गई होगी, बहुत मज़े की पोएम थी। अपना खूब ख्याल रखिएगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह ने के पान।